Hello friends, this is Sunil from Ads Optimizer. Friends, in the last video we have discussed about what are the points or what are the modules we are going to cover in OptiJSU. So we are going to continue of that video. So in the last video humne learn kiya tha कि ऑफ पेज में हमें क्या क्या लर्न करना है एंड उसकी डिटेल्स भी मैंने लास्ट वीडियो में दी हुई थी. एंड आज उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है क्लासिफाइड पोस्टिंग, हम उसे स्टार्ट करने वाले हैं. देखिए, पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि क्लासिफाइड पोस्टिंग होता क्या है. फ्रेंड्स, सिंपली अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं So, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि क्लासिफाइड पोस्टिंग होता है क्या. क्लासिफाइड पोस्टिंग इज अ फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग पार्टिकुलरली कॉमन इन न्यूज़पेपर, ऑनलाइन, अदर पीरियोडिकल्स व्हिच मे बी सोल्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ चार्ज. सी, तो यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है कि क्लासिफाइड जो है इज अ फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग मीन्स आपकी कोई कंपनी है, प्रोडक्ट है या सर्विसेस है, आप उसे एडवर्टाइज करना चाहते हैं तो वो एक क्लासिफाइड पोस्टिंग का एक पार्ट है. अब ये कहाँ पे एडवर्टाइज करते हैं, ये न्यूज़पेपर में हो सकते हैं, ऑनलाइन हो सकते हैं या कुछ अदर पोर्टल्स में हो सकते हैं. ठीक है, तो क्लासिफाइड पोस्टिंग क्या हो गया? क्लासिफाइड पोस्टिंग हो गया कि आप अपने बिजनेस सर्विसेज या प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना चाहते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. तो फ्रेंड्स, हम लोग मेनली यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो क्लासिफाइड पोस्टिंग हम जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो ऑनलाइन ही करेंगे. तो फ्रेंड्स, क्लासिफाइड पोस्टिंग क्या होता है आप यहाँ से इजीली आपको पता चल गया. एंड क्लासिफाइड पोस्टिंग हम कैसे करते हैं, तो सेकेंड स्टेप है कि आपको क्लासिफाइड पोस्टिंग का लिस्ट आपके पास होना चाहिए. तो सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हम गूगल पे सर्च करेंगे हाई पीए जीए क्लासिफाइड वेबसाइट लिस्ट. जैसे आप ये गूगल पे एंटर करेंगे तो बहुत सारे लिस्ट आपको मिल जाएंगे. तो चलिए फर्स्ट वाला हम लेके चलते हैं. तो फर्स्ट वाला मैं ओपन करता हूँ एंड स्क्रॉल डाउन कर रहे. जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी. फ्रेंड्स, मैंने आपको हाई पी ए डी ए क्यों बोला, मैं एक बार पी ए और डी ए को दोबारा मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ. पी ए का मतलब होता है पेज अथॉरिटी, एंड पेज अथॉरिटी जो हम लोग मार्क करते हैं दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 100. 0 इज द लोएस्ट एंड 100 इज द हाईएस्ट. तो ऐसे जिस पेज की ऑथोरिटी कम है वो उतना लेस पॉपुलर है, जिस पेज की ऑथोरिटी हायर है वो उतना मोर पॉपुलर है. अब पेज ऑथोरिटी कैसे इंक्रीज होता है, ये कैसे हम ग्रो करते हैं उसको फर्दर में बताऊंगा, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. सेकेंड होता है डोमेन ऑथोरिटी. अगर आपका कोई न्यू डोमेन है या ओल्ड डोमेन है उससे कैसे पता चलेगा कि आपका डोमेन मोर पॉपुलर है, तो सेम यहाँ पे डोमेन अथॉरिटी जो हम डिनोट करते हैं दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड मैक्सिमम दैट वुड बी अराउंड 100. तो सेम यहाँ पे अगर किसी वेबसाइट की डीए 0 है या 1 है या 2 है दैट इज लो पॉपुलर. जैसे उसका डोमेन अथॉरिटी हायर है इट मीन्स वो ज्यादा पॉपुलर है. तो इससे आप लोग आइडिया लगा सकते हैं. एंड अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है कंटेंट, सबमिट करना है कंटेंट किसी अदर पोर्टल पे, तो फ्रेंड्स इसका ध्यान रखिए कम से कम जो है डोमेन अथॉरिटी एटलीस्ट 20 होनी चाहिए, एंड 20 से ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छी बात है. क्योंकि अगर किसी वेबसाइट का पी ए एंड डी ए 20 से ज़्यादा है तो उसका इम्पैक्ट आपके वेबसाइट पर भी पड़ेगा. अगर आप अपना कॉन्टेंट
किसी अच्छे वेबसाइट पे आप पब्लिश कर रहे हो जिसका पीए एंड डीए दोनों हायर है, तो आपका पीए और डीए भी हायर होगा। अगर अगर आप ऐसी वेबसाइट पे डालते हैं जिसका पीए और डीए कम है, जैसे यहाँ पे 14 है, मे बी आगे देखेंगे तो कम भी होगा, तो उसका इम्पैक्ट वैसे ही पड़ेगा। तो प्लीज आप ट्राई करें कि मैक्सिमम हायर पीए और डीए वाले वेबसाइट पे अपना कंटेंट डालें। तो हम एक काम करते हैं, कुछ हम ऐसा वेबसाइट लेते हैं जैसे ये craigslist.org है, चलिए कॉपी करते हैं एंड हमने पेस्ट किया। तो आपको क्लासिफाइड की लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा कि कौन कौन सी अच्छी क्लासिफाइड्स की लिस्ट है, बट मैं आपको एक दो आपको सबमिट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग साइन अप करते हैं, कैसे आप पब्लिश करते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ click.in का। तो click.in पे देखिए जैसे ये लोड हुआ तो ये पूछ रहा है सिटीज, तो सिटीज मुझे लेना है, गुरुग्राम लेना है, नहीं मुझे दिल्ली लेना है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी मैं जिसका दिखाऊंगा, मैं जिस क्लाइंट का दिखाऊंगा सो दे आर बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली, तो मैं यहाँ पे दिल्ली सर्च करता हूँ। दैट इज दिल्ली सिलेक्ट होगा। एंड अगर आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो फ्रेंड्स आप यहां से आसान आप साइन अप कर लीजिएगा। साइन अप करना बहुत ही आसान है, आपको यहाँ पे नेम फिल करना है, जो भी नेम हो, लाइक मेरा नेम है सुनील, मैं एंटर कर लेता हूँ। ईमेल आईडी जो भी होगा आपका abc@, जो भी आपका हो आप एंटर कर लीजिएगा। एंड पासवर्ड आपको पता है, पासवर्ड का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, फर्स्ट लेटर शुड बी कैप, आफ्टर दैट शुड बी लोअर, देयर शुड हैव वन 1 to 2 स्पेशल कैरेक्टर एंड न्यूमेरिकल नंबर्स होने चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ पासवर्ड का क्या होना चाहिए। पासवर्ड ऐसा हो सकता है, मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ABC और उसके बाद फर्स्ट लेटर कैपिटल है, देन स्मॉल, उसके बाद से कुछ स्पेशल कैरेक्टर ले सकते हैं, देन नंबर्स। तो पासवर्ड का कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए और एटलीस्ट 8 डिजिट का होना चाहिए, अदरवाइज कोई भी पोर्टल एक्सेप्ट नहीं करेगा। 8 करेक्टर्स इज द लोएस्ट, इज द लिस्ट रिक्वायरमेंट। देन आप ये एंटर करके साइन अप करेंगे तो एक आपके ईमेल पे वेरिफिकेशन आएगा, वेरीफाई करने के लिए आएगा। एंड जब वो वेरीफाई कर लेंगे तो उसके बाद से आईडी और पासवर्ड से आप लॉगिन कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ, साइन इन। सो मैंने आईडी एंटर कर दिया, पासवर्ड एंटर अभी मैंने किया है, अब साइन इन करते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने साइन इन कर लिया, अब यहाँ पे आपको पोस्ट करना है, तो आपकी जो क्लासिफाइड है आपने पोस्ट करना है, तो आप यहाँ से पोस्ट पे क्लिक करें एंड जो भी आपके कैटेगरीज हैं आप उसे सिलेक्ट कर दें। तो हमारा ट्रैवल का है तो ट्रैवल पे मैं क्लिक करता हूँ एंड मैं ये लेता हूँ क्योंकि ये जो है ट्रैवल वेबसाइट है, मतलब ट्रैवल बेसिकली वो ट्रैवल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं या ट्रैवल नए नए प्लेसेस के बारे में लोगों को अवेयर करते हैं कि ये अपडेट प्लेसेस है या ये न्यू प्लेसेस है, तो ऐसे हैं। मैं आपको एक बार वेबसाइट दिखाता हूँ, आप गूगल पे सर्च करिएगा दी लोकल फीड, जैसे आप सर्च करेंगे ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगा, आप इसे ओपन करें। तो फ्रेंड्स अगर आप ट्रैवल किसी लोकेशन का ट्रैवल के लिए प्लान कर रहे हैं तो प्लीज आप यहाँ पर विजिट करें, आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे कहाँ जाना चाहिए। माई ट्रिप टू केरला, सो फ्रेंड्स यहाँ पे लाइक इन्होंने कवर किया हुआ है, मैं अगर दिखाऊं तो एक्सप्लोर में देखते हैं, होपफुली एक्सप्लोर में। हाँ
वियतनाम, इंडिया, इजिप्ट एंड केन्या। तो अगर आपको इस चारों कंट्री में से कहीं जाना है तो उससे रिलेटेड आपको वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगे, और बहुत ही अच्छा कंटेंट, बहुत अच्छा कंटेंट होता है इनका। इनका कंटेंट में आप ये भी देख सकते हैं कि फर्स्ट डे कहाँ पे जाना है, सेकंड डे कहाँ पे जाना है, और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं इसके ऊपर कंटेंट। तो अभी हमें क्या करना है कि अभी हमें यहाँ पे क्लासिफाइड पोस्ट करनी है। तो हमने साइन अप कर लिया, साइन इन कर लिया, बट क्या कंटेंट रेडी है? क्या आपका क्लासिफाइड रेडी है पोस्ट करने के लिए? नहीं, अगर नहीं तो प्लीज रेडी करिए। क्लासिफाइड रेडी कैसे करना है वो भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। चलिए मैं एमएस वर्ड ओपन करता हूँ। तो फ्रेंड्स, क्लासिफाइड कैसे होता है मैं एग्जांपल भी आपको दे देता हूँ। मैं क्लिक डॉट इन ही ओपन करता हूँ। क्लिक डॉट इन पे मैं ओपन करता हूँ और टूरिस्ट प्लेसेस। देखिए, तो ये एक किसी ने डाला हुआ है। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा इन्होंने वीजा से रिलेटेड है, तो एक कंटेंट है, देन उनका टाइप है, देन एक फोटोस है उससे रिलेटेड, देन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन देखिए, डिस्क्रिप्शन जो है अच्छा होना चाहिए, टाइटल, कंटेंट, और देन अगेन यहाँ पे, और देन उसके बाद से कॉन्टेक्ट डिटेल्स, ऐसा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा इसमें लाइक ये स्पैम टाइप का है, हमें स्पैम नहीं करना है। आपने बनाना है कंटेंट, बनाना है। तो सपोज कीजिए कि मैं इससे रिलेटेड कंटेंट पब्लिश करना चाहता हूँ। ये जो ब्लॉग है, रिसेंटली ब्लॉग पोस्ट हुआ है, तो हमें काम करते हैं, माई ट्रिप टू केरला सर्च करते हैं गूगल। तो हम ये ले लेते हैं एंड मैं इसमें एक कीवर्ड ऐड करता हूँ। अभी आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। माय ट्रिप टू केरला की कैपिटल में कर देता हूँ, और यहाँ पे एक फाइल लगा के मैं ब्लॉग का नाम ही ऐड कर देता हूँ, लोकल पेज। एंड यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लेते हैं। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स मैं ये ले लेता हूँ एग्जैक्ट, एंड थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और मैं यहाँ से ले लेता हूँ, एंड दैट्स ऑल। उसके बाद से ये हमारा ऑलमोस्ट कंटेंट रेडी होगा। बट कंटेंट ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बट कंटेंट आप एक थॉरली राइट कीजिएगा। फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकंड पैराग्राफ आपस में दोनों कनेक्ट होना चाहिए, देन उसका एक समरी भी होना चाहिए 2 लाइंस का। तो आपने ऐसे कंटेंट क्रिएट करना है। सो मान लीजिए हमारा कंटेंट रेडी हो गया, तो अब हमें क्या चाहिए? फर्स्ट फोटो चाहिए, तो अपलोड फोटोज में क्लिक करता हूँ एंड देख लेता हूँ लोगो वगैरह पड़ा हुआ है नहीं, उनका पड़ा हुआ है। नहीं पड़ा हुआ तो मैं किसी और का लोगो करता हूँ। ये मैंने लोगो ले लिया, देन कैटेगरी सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे ये इनमें किसी में फॉल नहीं करता है, तो मैं ऑर्डर्स ले लेता हूँ, लोकलिटी ले लेता हूँ। तो लोकलिटी है केरला है, बट हमें कहाँ पे दिल्ली दिल्ली में दिखाना है। दिल्ली में आप किसी एक कोई पर्टिकुलर प्लेस का ले सकते हैं, जो आप जहाँ पे आपको जिस एरिया में आपको शोकेस करना है। प्राइजेस आपको डालना ही पड़ेगा, तो आप कुछ भी एक प्राइजेस डाल दीजिए जिससे ये आपका पोस्ट लाइव हो जाएगा। देन टाइटल, टाइटल आपका ये रहा, दिस इज द टाइटल, आप इसे यहाँ पे पेस्ट करें। देन डिस्क्रिप्शन मैंडेटरी है, ये आपका डिस्क्रिप्शन होगा, कॉपी एंड पेस्ट। ईमेल आईडी ऑलरेडी यहाँ पे है, एंड मोबाइल नंबर, देखिए मोबाइल नंबर पे आपका स्टार नहीं है, मतलब मैंडेटरी नहीं है। लैंडलाइन के सामने भी स्टार नहीं है, इसका मतलब ये मैंडेटरी नहीं है। देन आप सिक्योरिटी कोड डालिए यहाँ पे 94177, उसके बाद पोस्ट करेंगे तो ये आपका पब्लिश हो जाएगा। देखिए, योर एड इज सक्सेसफुली पोस्टेड, बट मैं इस एड को अभी डिलीट कर दूंगा, क्योंकि क्या है कि ये लोगों किसी और क्लाइंट के स्ट्राइक है, तो इसे मैं डिलीट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका क्लासिफाइड पोस्टिंग।
तो अभी क्लासिफाइड पोस्टिंग के लिए हमने क्या क्या प्रोसेस फॉलो किया, मैं एक बार समरी कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट था क्लासिफाइड पोस्टिंग के लिए कि आपके पास वेबसाइट की लिस्ट होनी चाहिए। सेकंड, आपने साइन अप करने के बाद से आपने साइन इन करने हैं या लॉग इन करने हैं, एंड उसके बाद से क्लासिफाइड पोस्ट का कंटेंट रेडी करने हैं। एंड जैसे आपका क्लासिफाइड का कंटेंट रेडी हो जाएगा तो आप पोस्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्लासिफाइड के लिए आपके पास फोटोस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड कीबोर्ड्स भी आपने ऐड करना होता है। कई सारे फोटोज ऐसे भी जहाँ पे आपको कीबोर्ड्स ऐड करने होते हैं। तो ये सारे रिक्वायरमेंट है, ये आप रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके जैसे मैंने अभी प्रोसेस फॉलो किया है आप फॉलो करेंगे तो इसलिए क्लासिफाइड पोस्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए यही था। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज आप कमेंट करिएगा, एंड अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि उनको भी अगर कोई एसईओ अभी स्टार्ट किया है या एसईओ लर्न करना शुरू किया है तो वो इजिली इस वीडियो से वो लर्न कर पाएंगे कि क्लासिफाइड क्वेश्चन क्या होता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे। बाय। टेक केयर।